हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ बॉयलिंग पीठा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पर एक बॉल लिया है। बॉल में अभी मैं राइस फ्लोर 3 कप ले लूँगी। इसी कप से और आटा लूँगी, इसी कप से 1.5 कप। फिर इसमें ऐड कर दूँगी नमक, तब इसको मिक्स कर लूँगी। फिर इसमें थोड़ा थोड़ा कर पानी ऐड कर दूंगी। एक ही साथ में पानी ऐड नहीं करूंगी, पहले जो नमक दिया है उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, तभी पानी ऐड कर दूंगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर फिर हम इसको 30 मिनट के लिए ढक्कन से ढक कर रखूँगी। तब तक हम इसके लिए नारियल को फ्राई कर लूँगी। तो चलिए, नारियल को फ्राई कैसे करना है ये देखिए। यहाँ पर नारियल दिया है, एक नारियल काट कर इसको मिक्सर ग्राइंडर से पीस कर लिया है, तब इसको फ्राई कर लूँगी। सारी नारियल को इसमें ऐड कर दूँगी। फिर इसमें चीनी ऐड कर दूंगी, जिस कप से हमें राइस फ्लोर लिया थी ठीक उसी कप से 1/2 कप चीनी। चीनी ऐड कर देने के बाद अब इसको नारियल के साथ मिक्स कर इसको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ये देखिए, फ्राई हो चुका है, तो अभी मैं इसको निकाल कर ठंडा करने के लिए कुछ देर तक छोड़ दूंगी। तब तक हम इसके लिए पानी गरम कर लेती हूँ। पानी को हम उबाल आने तक गरम करूँगी। और ये देखिए, नारियल ठंडा हो चुका है, तो अभी हम पीठा बनाना स्टार्ट करें। तो देखना है 30 मिनट के बाद, ये देखिए बिल्कुल नरम सब बना है, तो अभी इसको फिर से अच्छे से मसाल लूँगी। ये देखिए मसालना हो गया, तो अभी हम यहाँ से ये देखिए इतना तक लेकर हम इसको गोलाई में शेप लगाऊँगे। मैं आप लोगों को यहाँ पर 2 पीठा बनाकर दिखाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से, तब तो अभी इसमें नारियल को ऐड कर दूंगी। ये देखिए इस तरीके से मुंह बंद करना है, इस तरह से थोड़ा हाथों से चिपकते हुए। इस तरह से चिपक देने के बाद बिल्कुल किनारे से पतला रखना है। और इसमें देखिए थाली में थोड़ा सा मैदा से रख देना है, जिससे कि ये पीठा उसमें रखने के बाद ये नीचे की तरफ से ना लगे। और अभी किनारे से देखिए, इस तरह से करने के बाद इसमें डिजाइन बनाऊंगी। तो हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से दबा देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा हल्के हाथ से दबाना है। मैं आप लोगों को और एक पीठा बनाकर दिखाऊंगी।
ये देखिए सारी पिठा बना लिया है, तो अभी हम इसको बॉयल करूँगी। ये देखिए पानी अच्छे से उबाल आ गया, तो अभी हम इसका ऊपर एक थाली रख दूँगी। ये थाली सीट किया हुआ थाली है। फिर इसका ऊपर में हम अभी पिठा को रखूँगी। इस तरीके से एक एक करके डाल दूँगी। फिर इसको हम ढक्कन से ढक कर रखूँगी। फिर हम इसको पलटना है, तो इसके लिए हम इसको पहले निकल कर ठंडा कर लूँगी। गैस बिल्कुल बंद नहीं करूँगी। ये देखिए तो अभी आसानी से पलट सकती है। और यहाँ पर और एक डो बचा है, उसको भी डाल देती हूँ। फिर से ढक्कन से ढककर रखूँगी। गैस को थोड़ा सा हाई फ्लेम में रखते हुए इसको पका लूँगी। तो अभी देखना है, इसको पला दूँगी फिर से। पलटने के बाद फिर से कुछ मिनट के लिए हम इसको ढक्कन से ढक कर रखूँगी। और अभी फिर से इसको पलट देना है। फिर हम बिना ढक्कन से इस तरीके से कुछ देर पका लूँगी, क्योंकि ऊपर में जो पानी पानी है ये भी सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सबसे पहले मेरा हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। आप लोग भी ट्राई करके देखिए, इस तरीके से बॉयलेट पिठा खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये चाय के साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।